सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। देखो मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी तुम्हें। दूर रहो मुझसे। अरे वाह भाभी, आओ आओ। और कैसा रहा हनीमून? पूरे 2 हफ्ते बाद आई हो। छोड़ ना विधि। क्यों छेड़ रही अपनी भाभी को? चलो मैं फ्रेश हो गया तुम में। चरण। हाँ माँ। तूने वो जायदाद के पेपर पे साइन करवा लिए ना? अरे मम्मा अभी तो शादी हुई है, अभी से उसके नाम लिखी जायदाद के बारे में बात करूंगा तो उसे शक हो जाएगा कि मैंने शादी उसी के लिए की है। आप फिक्र ना करो, सही वक्त आने पर मैं सब कर लूंगा। अरे आप कहाँ जा रही हो भैया के पीछे पीछे? बताइए मेरे लिए क्या लेकर आए, क्या गिफ्ट लाए हो? तू भी ना विधि, बाद में देख लेना। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी दिखाती हूँ। ये तुम्हारे लिए। अरे वाह भाभी। एकी, मैंने तो लगा असली ज्वेलरी होगी, पर ये क्या है? तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने तो ना ऐ चाहिए जो आपने पहना है। लेकिन ये तो मेरा है, मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। तो देख पुत्र, जो तेरा है वो इसका, और जो इसका है ना वो तेरा। दोनों बहनों की तरह रहो और मिल बांट के पहन लो। हाँ हाँ, और ये तो ना मुझ पे बहुत सुंदर लगेगा। दोनों भाभी विधि, क्या कर रही हो विधि? दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं निकालती हूँ। मम्मी देखो ना, ये मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है, भाभी से भी सुंदर ना? हाँ बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। तो बस फिर तो ये मेरा, और मैं ना सोच रही हूँ कि मैं ना अपनी फ्रेंड की मैरिज में ना इसी को पहनूं। हाँ 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 बिल्कुल, तेरी फ्रेंड की मैरिज होने वाली है ना, तो उसमें पहन के जाना इसको, बहुत ही सुंदर लगेगा तुझमें ये। ये तो आपने ठीक कहा। हाँ सब कुछ मान रहे। हाँ साफ हो जाएगा, चल जा, मैं देख के आती हूँ। हाँ कैसा लग रहा है मुझे? शीशे में देख के आ तू। आउच! क्यों यार? फिर से सीने में दर्द? ठीक तो हो ना तुम? हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, वो बस आपकी कोने लगी थी इसलिए दर्द हुआ। वैसे आप कितनी फिक्र करते हो मेरी। इसलिए तो मैं तुझे आज डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। फिर से? और की जरूरी हैगा, साड़ी शादी नो कुछ ही दिन हुआ है और तो इसे मैंने 3-4 बार डॉक्टर को दिखा चुके हो। सब कहते तो है कि मुझे कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं है,
फिर भी आपको तसल्ली क्यों नहीं होती? देख सुनिधि, जैसे तेरी मां को ब्रेस्ट कैंसर हो गया और वो मर गई, तेरे नाल भी कुछ ऐसा हो। लेकिन मैं नाल बहस ना करी, मुझे मेरी तसल्ली कर दे। चलो मैं नहाने जाऊं। मैंने सोचा आप वादी थोड़ी मदद कर दो। मदद तो अब सही से होगी। सुनिधि, मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ, आओ। आप हैं कैसे? सर चेकअप कराने आया थोड़ा सा ना। ठीक है सर, थैंक यू। आओ सुनिधि। चरण जी, तुसी खामखा फिकर कर रहे हो, तो अड्डी वोटी नू कुछ नहीं होया, बिल्कुल ठीक है, कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। लेकिन आगे चल के कहीं हो गया तो? होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल अब तो ये बिल्कुल ठीक है। ब्रेस्ट में लगातार दर्द होने से कैंसर की संभावना हो सकती है, हुण तुसी आराम नाल कर जाओ। मान दे देना। चलो, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, मेरी जान छुड़ी। मैं ऐसे कैसे? मतलब? मैं तुझे कल फिर से डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अरे, हम 3-4 डॉक्टर को तो दिखा चुके हैं ना, सबने कहा है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, फिर भी आपको तसल्ली नहीं होगी। हुआ तो तेरी माँ को भी कुछ नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर था और वो मर गई। और जब उसे हो सकता है तो क्या पता तुझे भी हो। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ब्रेस्ट कैंसर कोई खानदानी बीमारी थोड़ी है कि एक को होगा तो दूसरे को भी होगा। अब भी ना कुछ भी बोलते हो। देख और सुन, जो मैं कह रहा हूं ना वो तू करेगी, समझी ना? बैठ भैया, सामान पहुंचवा देना। सुनो, मम्मी को बोल देना मैं खेत पे जा रहा हूँ। ठीक है। की होया पुत्तर, तू बड़ी परेशान लग रही है, और चरण कित्थे आ? जी वो खेत पर गए हैं। अच्छा, ते फिर तैनू की होया? मम्मी जी, ये सब क्या है, ये क्यों मैंनू बार बार डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब डॉक्टर ने बोला तो है कि मुझे कोई कैंसर नहीं है। ऐसे थोड़ी ना कैंसर एक से दूसरे में चले जाता है। मेरी माँ ने ख्याल नहीं दिता, इसलिए छोटी सी चोट कैंसर बन गई। इसका ये मतलब थोड़ी कि मैंनू भी हो जाएगा। देख सुनिधि, मैं ना तेनु प्यार से समझा रही हूँ, मेरे पुत्र के खिलाफ ना मेरे सामने कोई जहर नहीं उगलना। जैसा वो कह रहा है ना तू वैसा कर। आई बात समझ में? कैंसर नहीं चाहिए मैनू मेरे घर विच। और हाँ, तेनू किदा पता कि तेरी मां नू कैंसर सीगा पर तेनू नहीं होवेगा? हाँ, चल जा सब्जी लेके आ, सब्जी बना, मैं हुनी आई। ये आगे तक की पूरी जमीन हमारी है, बस तू सौदा सही से करवा दे। अरे सौदा तो मैं चंगा करवा दूंगा, लेकिन ये तेरी वोटी के नाम पे है ना भाई, उसके साइन लगेंगे। तू उसकी फिक्र ना करी, वो सब मैं देख लूंगा, बस मेरा सौदा चंगा करवा दे और मैंनू मेरे पैसे दे दे। अरे बस यार, समझ ले तेरा काम हो गया। मम्मी आप यहाँ क्यों? हुआ तो अभी कुछ नहीं, पर हो जाएगा। मतलब?
मतलब ये कि अब सुनिधि से ना छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। क्यों, कुछ बोली वो? हाँ, मुंह तो खुलना शुरू हो गया है उसका। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने तेरा ब्याह ना उसके साथ करवा दिया। कैंसर लेके आई है वो, उसकी माँ का कैंसर ना उसमें आ जाएगा और मेरी सारी नस्लें खराब हो जाएंगी। चरण, अगर मेरे को पहले पता होता ना, मैं तेरा ब्याह इसके साथ कभी ना होने देती। मम्मी, तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। एक बार सुनिधि की प्रॉपर्टी बिक जाने दो और उसका पैसा आ जाने दो, फिर देखो मैं उसे इस घर से कैसे भगाता हूँ। वो ऐसे नहीं भागेगी, उसे मारना पड़ेगा। और हाँ, साथ के साथ मैं तेरे लिए कुड़ियां देखनी भी शुरू कर देती हूँ। मम्मी, तुम उसको मारो पीटो, जान से मार दो, मैं ये सब बिकवा के पैसे का इंतजाम कर देता हूँ। तू मेरी एक गल ध्यान से सुन ले, उससे दूर रहियो, मेरे को नहीं चाहिए बच्चा बच्चा। आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। कैंसर, कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनते ही इंसान डर के साए में जीने लगता है। कोई नहीं चाहता कि उनको इस जानलेवा बीमारी से जूझना पड़े। हालांकि कैंसर को रोका जा सकता है अगर पहले ही स्टेज पर उसका पता लग जाए तो, लेकिन यहां जो हो रहा था वो तो सोच से परे था। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज के इस एपिसोड में सुनिधि को उस बीमारी के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था जो उसे है ही नहीं। ऐसी मानसिकता बना लेना कि किसी को कैंसर इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके किसी रिश्तेदार को भी कैंसर था, बिल्कुल इलॉजिकल है क्योंकि ये कोई खानदानी बीमारी नहीं है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा था सुनिधि के साथ? क्या ये एक तरीका था उसे प्रताड़ित करने का? पर क्यों, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? सुनिधि की जिंदगी अब कौन सा मोड लेने वाली थी? आइए देखते हैं। वो लड़की बच गई, लेकिन आप फिक्र मत करो, अगली बार नहीं बचेगी। विधि, आई लव यू बट आई हेट यू। हेट मी? हाँ, यू हेट मी। यू हेट मी? हाँ, यू हेट मी। हाँ, थिंक अगेन। आई एम सीरियस। Think again. Vidhi. Bhabhi, wo ek hi hai Vidhi. भाभी, ए राजेंद्र। सत श्री अकाल भाभी जी। मम्मी जी को पता है क्या? नहीं भाभी जी, किसी ने कुछ नहीं पता है। और प्लीज आप भी किसी से कुछ मत कहिएगा। लेकिन इस तरह घर वालों के पीछे तुम दोनों का ऐसे मिलना सही नहीं है। माफ कर दो भाभी जी, आगे से ना ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज भाभी जी, आंटी जी ने पता लग गया दोनों ने सू अलग कर देना। मैं बहुत प्यार करता भाभी जी, असं विह करना चाहते हैं। हाँ भाभी जी, प्लीज। तुम सच में विधि से प्यार करते हो? हाँ भाभी जी, मैं सच कह रहा, रब की सौ। भाभी, तुसी मम्मी नू और भैया नू कुछ नहीं बताओगे ना? नहीं, पर मेरी एक गल सुन लो, आज के बाद तुम दोनों ऐसे नहीं मिलोगे। नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू भाभी जी। ठीक है, मैं चलता। सत श्री अकाल भाभी जी।
ठीक है मैं। सुनिधि बनी नहीं चाय? हाँ मम्मी जी, बस लेकर आ रही हूँ। इतना टाइम लगता है चाय बनाने में? ज्यादा सिर पे चढ़ गई है तू आजकल। अगर मैं तुझे कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब तू अब ये सब कर? की होया मम्मी जी? की होया? अपने पाप को तू मेरी बेटी के सर पे थोप रही है? हैं? मम्मी जी, वो मैं वो को कैसे भोली बन रही है? अच्छा दस, कौन है वो मुंडा जिसको तू मेरी बेटी के नाम से जोड़ रही है? जी मम्मी जी, वो क्या? तूने मेरी बेटी को धमकी दी कि अगर वो मुझे बताएगी तो तू उसे ही फंसा देगी, हैं? वो भी अपना पाप छुपाने के लिए, हैं? वो तेरा बॉयफ्रेंड था और तू इसका नाम लगा रही थी। विधि, आने दे तू चरण को। विधि, तू चुपचाप क्यों खड़ी है? सच बता ना मम्मी जी को। विधि, कुछ तो बोल। देखो ना मम्मी जी, अभी भी मुझे ही फंसा रही है। विधि, तू रुक, मैं बताती हूँ इसको। आ मम्मी जी, छोड़िए, मैं हाथ दांत तोड़ रहा हूँ। आ मम्मी जी, मेरी बेटी को बदनाम करेगी तू? मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। देख, अभी भी इसकी हिम्मत तो देख, अभी भी मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है। तू ठहर। मम्मी जी, पकड़ी, मैं बताती हूँ इसको। चल जा। मम्मी जी प्लीज, चल यहाँ से, चल। छोड़िए मुझे, चल, छोड़िए मुझे, चल। आज मैं बताती हूँ तुझे। नहीं मम्मी जी, तू देख, तू देख, बिल्ली, जरा ये बटन तो ऑन कर। आज ना इसके हाथ काट दे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आ तू जा। मेरी बेटी को बदनाम करेगी तू? चल हरी मम्मी के पास और इधर आ तू। चल। और ना तू मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, बेटी है वो मेरी, उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 100 दफे सोच लेना। ले पी। नहीं। अरे पीना। मुझे नहीं पीना। तेरी मर्जी। सुनो, आज मम्मी जी और विधि ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। देख, मैंने सब पता है, मेरे पीठ पीछे यहाँ कोई पराया मर्द आएगा और तू मेरी भैल में इल्जाम लगाएगी तो ऐसा ही होगा। मम्मी जी तेरे को सजा दे चुकी है, अब मैं तेरे को अपने तरीके से सजा देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसे जानती भी नहीं। प्लीज आज नहीं, प्लीज आज ही। देखो चरण, डॉक्यूमेंट सारे मैंने रेडी करवा दिए हैं, अब इस पे साइन कराने की जिम्मेवारी आपकी है। वो करेगी साइन, आप बस उससे ऐसे पूछना कि उसको शक ना हो कि कागज किस चीज के हैं, ऐसे में आपका भी काम हो जाएगा और हमारा भी। ठीक है। सुनिधि, सुनिधि। हाँ आई। एक बार यहाँ ना। सस्रीकाल। इन पेपर पे साइन कर दो। एकी? वो मैंने तेरे लिए कार लिया था ना, वो पापा मम्मी का पैसा था ना, उससे, ताकि सेविंग हो, नहीं तो खर्च हो जाते हैं। अच्छा किया। इन पे साइन कर दो। ये पेन। बेटा जी, ये साइन तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? और की, इसमें सोचना की है? मेरे और चरण के बीच कुछ नहीं छुपा, सब साफ है।
फिर तो ठीक है सब। वही कल तुम मुकरना ना जाओ, इसलिए पूछा मैंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, थैंक यू जी। सत श्रीकाल जी। सुनिधि क्यों हुआ? क्यों हुआ सुनिधि? दर्द हो रहा है चरण। चरण, इसको कैंसर हो गया, डॉक्टर ने तो बोला था। रेस्ट में लगातार दर्द होने से कैंसर की संभावना हो सकती है। चरण, बहुत दर्द हो रहा है मेरे को। चरण, चलो अंदर चलो। चरण, हमारी दवाई अब काम करने लगी है। मामूली सी गैस उसके सीने का दर्द बनती जाएगी और उसको लगेगा उसको सच में कैंसर हो गया है। बस अब तू देखता जा, जल्दी इससे छुटकारा मिल जाएगा। तू एक बात का ध्यान रखना, डॉक्टर को मत बुलाना, इसका वहम बढ़ने देना। जितना वहम बढ़ेगा हमारा उतना फायदा होगा। मम्मी, आप इसको बस ऐसे बेवकूफ बनाते रहो। इस सप्ताह तकदीर लेगी नया मोड़। ये तो आगरा का दूजा ताजमहल दिखता है। हमारी ओर से आपके लिए ये नया घर तोहफे के रूप में स्वीकार करें। भारती के ससुराल को मिली खुशियों की सौगात, वहीं दूसरी तरफ आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, बैंक बैलेंस और यहाँ तक कि आपका ये घर, सब कुछ परमेश्वर चौहान जी का हुआ। आपको अभी और इसी वक्त इस घर को खाली करके जाना। बाबा ऐसो वर ढूंढो, सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। क्या चल रहा है भाई? अरे कुछ नहीं, पार्टी चल रही है। और पार्टी ले थोड़ी सी, तू भी पी। नहीं, मैं नहीं पीती। अरे पीना। अरे नहीं पीना है मुझे। थोड़ी सी। अरे बाहर पार्टी चल रही है। बाहर पार्टी चल रही है। चलो फिर पार्टी करते हैं। पार्टी करेंगे अभी। आंटी जी, सजरी अकाल। आंटी जी, सजरी अकाल। अंकल जी, सजरी अकाल। ओह विधि, मेरी विधि। अरे अरे नाचो, अरे नाचो नाचो मम्मी जी, नाचो मम्मी जी। तुसी ऐसे क्यों बैठे हो? उठो पार्टी वाले, नाचो। ए विधि, अरे तुम उधर क्यों खड़े हो? चलो ना नाचो, संभालो अपने आप। चलो नाचो नाचो, सब नाचो पार्टी। अरे नहीं ना, मुझे नाचना है। चलो तुम भी नाचो, तुमने बहुत पी। चलो अरे विधि, मुझे नाचना है। मम्मी जी बोलो ना इनको। बाय, संभालो अपने आप को। चलो। अरे जी, कैसी बहू है ये आपकी? क्या बताऊं बहन जी मैं आपको, ये इसका रोज का काम है। मैंने आज इसको मना भी किया था कि आज लोग आ रहे हैं तो आज तो मत पीना, पर मानती कहाँ है ये। बहुत तंग कर दिया इसने हमें।
अरे मम्मी कितने हैं? अरे वो आ रहे हैं। अरे मामा आओ ना। हाँ भाई हाँ आ रहे हैं। चलो 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 चलो। मम्मी जी की होया? किधर जा रहे हैं आप सब? देखो मैडम जी को, कल रात सारे रिश्तेदारों के सामने इसने हमारा तमाशा बना दिया और आज बड़ी फिक्र से पूछ रही है हम नया घर देखने जा रहे हैं। तेरी तो कल वाली उतरी नहीं होगी, तू क्या करेगी जाके? मम्मी जी वो मैं, मम्मी जी। क्या मम्मी जी, मम्मी जी बस यही देखना बाकी रह गया था। बेवड़ी कहेंगे, सब्जी लेके आ और खाना बना, अगर तेरा पीने का मन ना हो तो। चलो बच्चों चलो। हाँ जी, वो चरण तो कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है जी, पर फिर हमने सोचा भी पहले इसकी शादी कर देते हैं, और लाखों में एक है जी मेरा पुत्र, हीरा है एकदम हीरा। सही क्या जी, पहले एक दूसरे को पसंद तो कर ले। अब मेरा पुत्र तो जी बहुत ही ज्यादा शर्मीला है, और इसने तो जब फोटो देखी ना बस तभी लड़की को पसंद कर लिया। और आपका बेटे का वो डाइवोर्स? हाँ जी बस वो भी बिल्कुल हो गया। अब आप ही बताओ जी, एक शराबी बहू को कौन घर में रखेगा? अब हमारे पीठ पीछे पता नहीं कौन कौन आता होगा घर में, बस अब तो जल्दी पिंड छूट जाएगा जी उससे हमारा। वीर जी बता रहे थे आपके कि शराब पी के वो कैसे सबके सामने नाच रही थी। चलो छोड़ो, अच्छा ही हुआ, हमारी कुड़ी को तो आप कनाडा ले जाओ फटाफट। हाँ जी होर की, बस इसने, मैंने आपको बताया था कि कनाडा में इसने एक बिजनेस सेटअप करना है, तो उसके लिए बस पैसे चाहिए। आप वो टेंशन ना लो, ठीक है तुसी ब्याह की तैयारी करो छेती। चलो पुत्र जी तुसी जाओ बाहर जाके बातें बूते कर लो, घूम छुमाओ। मेरे पुत्र जाओ। आप कुछ लीजिए। मैडम जी सेब तो लेती जाओ। नहीं चाहिए। आज तो तू किसी भी हाल में इसको साइन करवा लेना इनके तो। मम्मा मम्मा तूने अच्छा किया चरण, जो तू विधि की फ्रेंड को ना उसके घर छोड़ आया। जी मम्मी जी, अच्छा हो मेरे पास बाइक थी, पर ना बहुत लेट हो जाते, और विधि अपनी फ्रेंड को समझाना चाहिए ना, जब लड़के वाले घर पे आ रहे तो घर टाइम से पहुंचे। अरे भैया वो ऑफिस के लिए लेट हो गई थी, वो तो अच्छा हुआ रास्ते में हमको मिली और सब अच्छे से हो गया। तू ऐसे खड़ी होके की कर रही है? जाके खाना बना। अरे संदी सुनो, मेरा वीजा आ गया, कल मैं कनाडा जा रहा हूँ। इन्हीं जल्दी? हाँ तेरा भी अप्लाई कर दिया है, मेरे लगते मैं तुझे ही बुला लूंगा। सच्ची? सच्ची, इन पेपर से साइन कर दे। शाबाश, अब मेरी भी पैकिंग शुरू कर दो। क्यों होया आजकल बड़े दूर दूर रहते, सिर्फ नशे में याद आते हैं मेरे। तुसी कल जा रहे हो?
वो कुछ नहीं भाभी, कुर्ती नहीं मिल रही थी ना, वो ही ढूंढ रही थी। तो मांग लेती। अजी तुझे सोए थे ना, इसीलिए। ये क्या छुपा रही थी? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। विधि दिखा। नहीं दिखा। ये तो मेरी चोरी, चोरी करी थी। दिखा। नहीं और क्या है? दिखा? कुछ नहीं है भाभी, कुछ नहीं है मेरे पास। मानेगी ना तू? रुक, अभी मम्मी जी को बता। नहीं भाभी। भाभी भाभी मेरी गल तो सुनो। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, वो क्या हो गया? तो आसमान टूट गया। मम्मी तू रुक जरा। ले, ये तेरे नाम का है? मेरे को लगता है वीजा ऑफिस से आया है। ये क्या है मम्मी जी? मैंने कब डिवोर्स के लिए अप्लाई किया? किया होगा, झूठी ना होए ता। पर चल अच्छा हुआ, कैंसर से तो हमें छुटकारा मिला। अब तू ना निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। तू अपना सामान पैक कर और चुपचाप चली जा, दफा हो यहाँ से। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। धोखा हुआ है मेरे साथ, आप सबने मिलकर धोखा दिया है मुझे। चाल है आपकी, मैं जाऊंगी तो अपना प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपनी जूरी सब लेकर जाऊंगी। हाँ दिया, मेरे पुत्र ने तुझे तलाक दिया। और क्यों दे तेरे पैसे तुझे वापिस? तुझे कैंसर है, पता है ना तुझे? इसीलिए मेरे पुत्र ने तुझे छोड़ दिया। कोई कैंसर नहीं है मुझे, झूठ है ये सब, सब चाल है आपकी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा? इस घर से अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अच्छा तू ठहर जा, रुक। हेलो डॉक्टर साहब, जरा घर आओ आप, और वो सुनिधि की रिपोर्ट भी लेते आना। हाँ अब देख जरा तू, अभी तेरे को पता चल जाएगा। धमाकेदार सप्ताह में देखिए शाम 6 बजे। एक दूसरे के ऊपर आगी बरसाने से अच्छा है कि ऐसा रास्ता अपनाए जो उन दोनों को फायदा करे। भौजी की साजिश से अर्पिता होगी गिरफ्तार, शाम 6:30 बजे। विवाह के पवित्र बंधन से जुड़ेगा करण और सुमन का साथ, शाम 7 बजे। आज पढ़ने के लिए सोनल के घर जा रही हूँ ना मैं। बीरवा को छोड़ सारे लोग आए थे, कहाँ गई होगी वो? बीरवा की नादानियों में संतो कैसे निभाएगी माँ का फर्ज? शाम 6 से 7:30 देखिए धमाकेदार सप्ताह दंगल पर। क्या सच में सुनिधि की माँ का कैंसर सुनिधि में भी आ चुका था? क्या ये सब सच था? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं ना, दरअसल ये एक चाल थी जो चरण और उसकी माँ ने मिलकर चली थी सुनिधि से छुटकारा पाने के लिए। सुनिधि अब उनके लिए किसी काम की नहीं थी, पैसा जेवर सब तो ले चुके थे उससे, अब इंतजार था तो उसके जाने का। पर क्या सुनिधि अपने साथ हो रहे इस अन्याय को रोक पाएगी? क्या वो अपनी ससुराल वालों की साजिशों का पर्दाफाश कर पाएगी? आखिर सुनिधि अब कौन सा कदम उठाएगी? ये सच है, तुमको ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले हफ्ते तो आपने कहा था कि सब ठीक है। तब तक तो सब ठीक था, पर जब बाद में रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर निकला। मम्मी जी प्लीज अपने बेटे को समझाइए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे पूरा यकीन है मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। हम किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर से हम रिपोर्ट निकलवाते हैं, प्लीज मम्मी जी। छोड़ मुझे और चल निकल यहाँ से, तंग मत कर मुझे। तू चल यहाँ से, वैसे भी हमें कोई जरूरत नहीं कैंसर वाले लोगों की, तू निकल यहाँ से, चल। दीदी अच्छा मैं चलती हूँ। डॉक्टर जरा एक मिनट। ये लीजिए, थैंक यू, इसकी झूठी रिपोर्ट बना के आपने इससे छुटकारा दिला दिया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप और क्यों? पैसों के लिए आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप मम्मी जी? अपने घर की भलाई के लिए, मुझे नहीं चाहिए ये कैंसर की पेशेंट घर में। चल जा निकल यहाँ से। नहीं,
चली जा। चल। नहीं मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए मेरे साथ। मम्मी जी प्लीज मेरा निकल यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे। जा यहाँ से, हट। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी ऐसे मत कीजिए मेरे साथ, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ जाऊंगी? इन पेपर्स पे साइन कर दो। ऐकी? वो मैंने तेरे लिए कर लिया था ना। कैंसर की पेशेंट घर में। मेरे पुत्र ने तुझे तलाक दिया, तू अपना सामान पैक कर और चुपचाप चली जा, दफा हो यहां से। मम्मी आप क्यों चले गए मैंने छोड़ के? देखो क्यों हो रहा है मेरे साथ। आजा, ये देख, ये है नया घर, बहुत बड़ा है, देख ले क्या क्या करवाना है इसमें। है मम्मी, ये तो बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर है। यहाँ ना हम फर्नीचर लगाएंगे। हाँ, और आप कहो तो यहाँ मिडिल में हम झूला भी लगा सकते हैं। हाँ, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसे तो ना मैं बिल्कुल अपनी तरह सजाऊंगी। तुम्हारा नहीं, मेरा घर, मेरे मम्मी पापा के पैसों का घर। आप लोग चाहिए यहाँ से। हाय रब्बा, तुझे मैंने वहां से निकाला और तू यहाँ आ गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल निकल यहाँ से। बढ़िया, ये मेरा घर है। सही कह रही हूँ मैं, बहुत हो गया आप लोगों का, अब मैं नहीं आप जाएंगे इस घर से। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, हाँ? अब तू मेरे साथ जुबान लड़ाएगी, चल निकल यहाँ से। और ये तेरे नाम पे नहीं, मेरे बेटे के नाम पे है, मेरा घर है, चल निकल यहाँ से। है तो मेरे मम्मी पापा के पैसों का ना, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। चल, कैसे नहीं जाएगी तू? खोल दरवाजा, खोल। कैसे नहीं निकलती तू? जरा फोन दे, पुलिस को फोन लगाती हूँ मैं। अरे मम्मी समझो, अगर पुलिस आ गई तो उसके साथ साथ हम भी फंसेंगे, पर इसके लिए ना कोई और तरीका ढूंढना होगा। पर अभी ना आप चलो यहाँ से, चलो। इस सप्ताह शनिदेव करेंगे न्याय। अपने पिता के जीवन के लिए मैं मृत्यु तो क्या, भगवान से भी लड़ जाऊंगा। अब शनि के न्याय का चक्र घूमेगा, पापियों को मिलेगा उनके कर्मों का दंड और भक्तों को मिलेगा उनकी भक्ति का फल। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। देखिए शनिदेव का न्याय चक्र, महिमा शनिदेव की, सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। हाँ चल, अब तो हमें ना पता करना है उसके बारे में। चरण को फोन लगाती हूँ मैं। हाँ अभी फोन लगाती हूँ, ठहर। हेलो। हाँ मम्मी। चरण कितने है तू? तू ना ये कनेडा वाला ड्रामा बंद कर और जल्दी से घर आ जा, यहाँ पे बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ? वो तो उस नए घर में डेरा जमा के बैठ गई है और निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये क्या कह रही हो तू? ना सुनता नहीं है मेरी बात को। मैंने कहा था ना तुझे कि तू उसे मार दे, ये बहुत तेज है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब बता क्या करना है? तुम फिक्र ना करो मम्मी, इसका इलाज तो अब मैं ही करूंगा। ओ
दूंगी तुम्हें, दूर रहो मुझसे। सुनिधि तू? तू यहाँ? मैं रिकवरी एजेंट हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है तुझे यहाँ से भगाकर मकान खाली करवाने का, पर ये सब, तेरी तो शादी हो चुकी थी ना? हाँ रिजू, देख क्या हाल बना दिया मेरा, सब कुछ छीन लिया मुझसे। तू मेरी गल सुन, मैनू कोई मतलब नहीं उन्होंने तेरे नाल की कीता, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तुझे घर खाली करना ही पड़ेगा, समझी? तू तो मुझे बचपन से जानता है ना, तुझे तो बल्कि मेरा साथ देना चाहिए। देखिए मेरा काम है, तू मुझे मत समझा, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, सुबह तक चली जाना। ये मेरा घर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, जा बोल दे उसको कि मैं ये घर नहीं खाली करूंगी, तू मेरी मदद नहीं कर सकता, जा चले जा यहाँ से। वो नहीं जाएगी यहाँ से, उसने बोला है। और ये काम अब मैं भी नहीं कर सकता, समझा चरण? कोई नहीं, इसको तो अब मैं देखता हूँ। अब डट कर होगा डर से सामना। हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले, पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इस लिए। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज, शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां। गलत मंसूबों का अंजाम बर्बादी ही होता। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। एक बार मुझे अंदर आने दो प्लीज, हम इस मसले को बैठ के बातचीत से भी सुलझा सकते हैं प्लीज। देखो अगर तुम मुझे इस घर से बाहर निकालने आए हो ना, ये बात ध्यान से सुन लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं सुनिधि प्लीज, एक बार मुझे अंदर आने दो प्लीज। तुझे क्या लगा कि तुझे हम इस घर से निकालने आए हैं? तुझे हम इस दुनिया से निकालने के वास्ते आए हैं। मम्मी चेयर लेके आओ। नहीं जाने, बस चिल्ला। घटिया आदमी, पैसों के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, सब झूठा था तुम्हारा प्यार, कैनेडा जाना, सब कुछ। तुझे क्या लगा कि तू ये लाइन में जैसी एक और फिर उससे शादी करके उसके पैसे लेके फुर। शर्म, जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे, भूल गया क्या कि तेरे घर में भी एक लड़की है? बोल ले, जितना बोलना है ना बोल ले, मरने से पहले अपनी भड़ास निकाल ले। आज मैं इतना यही खत्म कर देता हूँ। गला दबा के मार दे इसको, लगेगा कैंसर से मरी है, एकदम नेचुरल डेथ। सही कह रहे हो मम्मी। जरा नहीं, नहीं जरा, जरा नहीं जरा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, यही है वो लोग, आइए। कैंसर का बहाना बनाकर मुझसे छुटकारा पाना चाहता ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प सकता, लेकिन तू भूल गया, गलत मंसूबों का अंजाम बर्बाद ही होता है। जाओ जेल में सड़, चले जाओ यहां से, चलो।
तू ठीक है? ये कैसा तरीका था? एक भयावह बीमारी को अलगाव का तरीका बना दिया था। अलग होने का ऐसा तरीका वाकई शर्मसार करने वाला था। और हैरानी होती है ऐसे गलत तरीके अपनाने वाले लोगों की सोच पर भी। सिर्फ पैसों के लिए इस कदर गिर जाना वाकई चिंताजनक है। सुनिधि को सही समय पर सच्चाई पता लग गई और उसने सही कदम भी उठाया। अपने लिए खड़ी हुई वो, जिस वजह से वो चरण और उसके परिवार से अपना हक वापस ले पाई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके इस साहसी कदम ने एक दूसरी लड़की की जिंदगी भी खराब होने से बचा ली, जो शायद उनका अगला शिकार थी। दोस्तों, जो लोग इस तरह की मंशा रखते हैं उनके लिए कितना आसान होता है किसी की बहू बेटी से शादी करके चंद ही दिनों में उसे यूं छोड़ देना। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि उस लड़की के भविष्य का क्या होगा। और लड़की के माँ बाप जो एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद के साथ अपनी बेटी को ससुराल में विदा करते हैं, वे ये नहीं जानते कि कुछ ही दिनों में उनकी बेटी वापस उनके घर आ जाएगी और जिसका भविष्य उसकी हक की लड़ाई लड़ने में ही बीत जाएगा। दोस्तों, शादी एक अटूट रिश्ता है, लेकिन जरूरी है कि इस रिश्ते की जांच पड़ताल अच्छे से की जाए, क्योंकि आखिर ये दो जिंदगियों का सवाल है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।